अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद शरफुद्दीन, सच न्यूज में आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबर। हैदराबाद के डबीरपुरा में जब मोहम्मद जब्बार नामी शख्स अपने घर सीधी बाजार से अपनी एक्टिवा पर जा रहा था, तो उस वक्त डबीरपुरे पर तीन लोग उसके पीछे गाड़ी लेकर आए और तेज धार हथियारों से उस पर हमला कर दिया, जिसके बाद जब्बार को कई गहरी चोटें आई हैं और वो तुरंत वहां से पुलिस स्टेशन भागा। ये वाकया सुबह 10:30 बजे का है, यानी कि दिन दहाड़े एक शख्स पर तीन लोगों ने तेज धार हथियारों से हमला कर दिया। जब्बार का कहना है कि तीनों लोगों का भी चेहरा मास्क से ढका था और वो उनका चेहरा नहीं देख पाया। जब्बार अब उस्मानिया दवाखाने में जेर इलाज है और उसकी जान खतरे से बाहर है। इस बात की इत्तला मिलते ही मजलिसी कॉरपोरेटर सोहेल खादरी भी वहां पहुंचे। पुलिस इस मामले में एक केस दर्ज कर तहकीकात कर रही है। अब देखना है कि पुलिस इन हमलावरों को पकड़ने में कामयाब हो पाती है या नहीं। तो हर सच्ची खबर पर रखने अपनी नजर, देखते रहिए सच न्यूज। चीफ ब्यूरो शरफुद्दीन की ये रिपोर्ट। पीछे से इसका प्लान है, वो गोश के चाकू से हमला करे। क्या टाइम पे वाले? 10:30 का टाइम। तो कौन थे आप, जानते हैं लोग? नहीं जानता मैं, वहाँ बंद थे लोगों के। थोड़ा आगे बढ़ाया तो चाकू बताया, तो फिर मैं पलटा के भरत नगर के रास्ते से सीधा पीएस को गया। आप गाड़ी पे? मैं चाकू मारे नहीं लगा, समझा मैं जैसा पलटा के गया तो पूरा शर्ट भर गया, फूट हो गया। अरे बोला चाकू मारे पीछे से, एक हाथ से हो गया था मेरा। पीएस के गेट के नीचे गाड़ी में बाइक एक्टिवा पीछे से मारे और वो गोश्त काटने की चाकू है। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जब्बार। आप क्या करते? मैं वेस्ट पेपर बिजनेस करता हूँ। कहाँ रहते आप? मैं ईदी बाजार में रहता हूँ। आज नामालूम अशराब में जो चेहरे पे कांटे बने हुए थे, पुरानी हवेली पे जिसका कारोबार है, मोहम्मद अब्दुल जब्बार कुरैशी नाम है उनका, वेस्ट पेपर का कारोबार है पुरानी हवेली पे। वो शख्स आजमपुरा नाले के पास से, सातगुड़ी के पास से होते हुए अपने घर जबीलपुरे की तरफ जा रहे थे। वो रास्ते में तीन लोग, एक बाइक पे तीन लोग थे, तेज धारी अपने चाकू से हथियार से हमला करे। अभी मैं डॉक्टर से बात किया मैं, तो उनका कहना यह है कि भाई डीप बहुत है, तकरीबन 3 इंच 2.5 इंच के करीब इतना डीप है। तो हम कोशिश कर रहे हैं उनको कि जल्द से जल्द उनको ब्लड वगैरह देंगे उनको। और इतला बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे मैं सीधा उस्मानिया हॉस्पिटल यहाँ पर आया। तकरीबन हम 1.5 घंटे से यहाँ पर है। अभी उनको बाहर ऑपरेशन थिएटर से बाहर लेकर आए और उनसे बात किए। अब और MLA साहब भी अभी यहाँ पर पहुंचने वाले ही है। मगर बड़ा अफसोस इस बात का है कि नामालूम अशरार कुछ ना कुछ कभी कभार ऐसे हालात होते जा रहे हैं। जो आज एक बेकसूर शख्स, इंतहाई शरीफ, जो मैं खुद भी जानता हूं उसको, वो शख्स के ऊपर खातिलाना हमला किया गया है। मैं पुलिस वालों से, खासतौर से DCP साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि जो खाती है उनको गिरफ्तार करिए, कि आज उनके पूरे घर वाले, आज यहाँ उनकी पूरे फैमिली यहाँ मौजूद है। रोम राग का एक मंजर है यहाँ पर कि एक नई वबा फैल रही है शहर हैदराबाद में। मैं फिर एक मरतबा तमाम अहदेदारों से, आला पुलिस के आला अहदेदारों से गुजारिश करूंगा कि भाई ये ऐसे लोगों को, ये जो स्टेज है इनिशियल स्टेज पे, इनको अरेस्ट करें और सख्त से सख्त सजा दीजिए। मैं मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से तमाम वर्कर्स यहाँ मौजूद है और हम देख के अभी यहाँ पर हम जब उनको शिफ्ट करेंगे उसके बाद फिर हम लोग वापस हम। डॉक्टर आवाना बुक करें। अरे डबीलपुर SI साहब को इंफेक्शन आने के लिए चेकिंग के बारे में बाहर आने के लिए डॉक्टर ने कुछ पूरी है वाइट लेने का सब।
इस एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में खरीदिएगा लैपटॉप, कंप्यूटर, एक्सेसरीज और बहुत कुछ एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड पर से, जो है हैदराबाद का सबसे बड़ा होलसेल और रिटेल शोरूम, जहां आपको मिलेगी बेस्ट कस्टमर सर्विस। न्यू ब्रांडेड कंप्यूटर्स हो या यूज लैपटॉप्स या डेस्कटॉप्स, यहां आपको मिलेगा सब कुछ। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड दे रहा है अपने कस्टमर्स को ऐसे ऑफर्स जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। और स्कूल, कॉलेजेस और ऑफिसेस के लिए बल्क में भी सप्लाई यहां की जाती है। और एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड में टेक्निकल इंजीनियर्स की निगरानी में रिपेयरिंग भी की जाती है। तो विजिट कीजिएगा डिस्काउंट की दुनिया एक्सक्लूसिव पीसी वर्ल्ड, सिकंदराबाद सिटी सी बिल्डिंग, सी ब्लॉक, फर्स्ट फ्लोर।